नोटबंदी के दौरान पुराने नोटों के कैश डिपॉजिट के मामले में दिल्ली ने मुंबई को भी पछाड़ दिया है। 8 नवंबर से 30 दिसंबर 2016 के दौरान दिल्ली में कुल 56,665 करोड़ रुपए कैश डिपॉजिट हुआ, जबकि मुंबई में 35,272 करोड़ रुपए कैश डिपॉजिट किया गया। चौंकाने वाली बात यह है कि छोटे शहरों में बड़ी तादाद में कैश डिपॉजिट देखने को मिले। वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1,000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। ब्लैक मनी पर रोक लगाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2016 को 500 और 1,000 रुपए के नोट बंद करने का ऐलान किया। इसके बाद बैंकों में पुराने नोट जमा करने के लिए लंबी कतारें लग गई थीं। उस वक्त माना जा रहा था कि देश की कमर्शियल कैपिटल मुंबई में सबसे ज्यादा पुराने नोट जमा हो सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पुराने नोट जमा कराने के मामले में दिल्ली सबसे आगे रहा। वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के डेटा के मुताबिक 8 नवंबर से 30 दिसंबर 2016 के बीच दिल्ली में 56,665 करोड़ रुपए के पुराने नोट डिपॉजिट हुए, जबकि मुंबई में 35,272 करोड़ रुपए पुराने नोटों का कैश डिपॉजिट हुआ। बेंगलुरु में 24,835 करोड़ और चेन्नई में 18,056 करोड़ रुपए का कैश डिपॉजिट हुआ। अहमदाबाद में 14,176 करोड़ जबकि कोलकाता में 13,568 करोड़ रुपए कैश जमा हुए। हैदराबाद में 13,557 करोड़, सूरत में 12,593 करोड़ और लखनऊ में 8,195 करोड़ रुपए कैश जमा हुए। कानपुर में 6,500 करोड़ रुपए कैश जमा हुए। इन आंकड़ों में दिल्ली और मुंबई में कैश डिपॉजिट के बीच बड़ा अंतर साफ नजर आ रहा है। यहां तक कि इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों को भी दिल्ली से इतनी बड़ी संख्या में कैश डिपॉजिट की उम्मीद नहीं थी। हालांकि इनकम टैक्स अधिकारियों को बेंगलुरु से ज्यादा कैश डिपॉजिट की उम्मीद थी, लेकिन यहां उतना कैश डिपॉजिट नहीं हुआ। कैश डिपॉजिट के मामले में छोटे शहर मेट्रो शहरों से आगे निकल गए। सूरत और लखनऊ जैसे शहरों में उम्मीद से ज्यादा कैश डिपॉजिट हुआ। इनकम टैक्स अधिकारियों के मुताबिक उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, नोएडा, वाराणसी और कानपुर जैसे शहरों में बड़ी संख्या में कैश डिपॉजिट हुआ। राजस्व विभाग के मुताबिक नोटबंदी के 50 दिनों के दौरान देश भर के 98 लाख खातों में कुल 10 लाख करोड़ रुपए कैश जमा किए गए। हालांकि राजस्व विभाग ने करीब 18 लाख संदेहास्पद डिपॉजिटर्स की पहचान की है। इनकम टैक्स विभाग ने ऐसे डिपॉजिटर्स को ऑनलाइन क्लैरिफिकेशन देने को कहा है। ऐसे लोगों को SMS और ईमेल के जरिए नोटिस भी भेजे गए हैं। इनमें से करीब 9.5 लाख डिपॉजिटर्स ने इनकम टैक्स विभाग को अपना जवाब दे दिया है। दीपू राय, जी मीडिया।